हम आज से हम 8085 में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स विदाउट कंसिडरिंग कैरी। मतलब कैरी तो रिजल्ट में जनरेट होगी लेकिन वो चीज हमारे आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोग्राम बताऊंगी। और प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में इसको सॉफ्टवेयर पे भी रन करना बताया कि कैसे हम उसको सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे। पहले मैं इन प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करूंगी, लास्ट में मैं सॉफ्टवेयर पे आपको उसको रन करके बताऊंगी। ओके, अब देखो आप कोई सा भी प्रोग्राम अगर देखोगे 8085 का, आप नेट पे या बुक्स में देखोगे तो अलग अलग तरीकों से बना हुआ होता है। अलग अलग तरीकों से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप किसी प्रोग्राम में देखोगे कि डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड किया गया है, किसी में देखोगे मेमोरी से डेटा लिया गया है, किसी में देखोगे इनपुट आउटपुट पोर्ट से लिया गया है। मतलब डेटा के अकॉर्डिंग प्रोग्राम जो है वो अलग अलग तरीकों से बना हुआ होता है। तो उसी तरह से मैं आपको दो तरीकों से प्रोग्राम बनाना आज की वीडियो में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो थर्ड जो सही मेथड होता है, जो एकदम सही करेक्ट मेथड होता है, प्रोफेशनल मेथड होता है, उससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आपको इन दो तरीकों से प्रोग्राम बनाना बताऊंगी, ठीक है। अब पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब नॉर्मली कहीं पे भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी भाई ये कोई भी प्रोग्राम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कैसे बन सकता है। तो देखो, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, हम डेटा इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मुझे दो नंबर्स को एड करने का प्रोग्राम बनाना है और मैं डेटा वही प्रोग्राम में प्रोवाइड कर दूं, मुझे 2 और 5 को एड करना है, तो वो क्या है, हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। और ये नॉर्मली कोई काम का प्रोग्राम नहीं होता, सीखने के लिए इस चीज को समझ सकते हैं। अदरवाइज ये जो मेथड होता है ये क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है। क्यों स्टैटिक होता है मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब डेटा हमारा बाहर से आएगा, कहां से आएगा, मेमोरी से आएगा और हम मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, जिसका मतलब क्या है कि हम जो डेटा देंगे वो मेमोरी में रहेगा लेकिन उसका हम एड्रेस इनडायरेक्टली देंगे। इस पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है, देखो हमें सपोज ऐड करना है दो नंबर्स को, दैट इज 20 और 17, इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड, दोनों ही क्या है हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो अब हमें इन्हें होल्ड करने के लिए दो रजिस्टर्स चाहिए, तो अब हमने सबसे पहले लिखा MVI और A,20 इन हेक्साडेसिमल। इसका मतलब क्या है कि हमें A रजिस्टर में क्या मूव करना है, इमीडिएट डेटा को मूव करना है, मूव इमीडिएट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें A के अंदर क्या करना है, इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा दैट इज जो हमने हैंड टू हैंड इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर रखा है, उसको हमें क्या करना है, मूव करना है। तो इससे मूव मतलब कॉपी करना है, तो A के अंदर ये वाला इमीडिएट डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और A के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये दूसरा डेटा लेना है, तो अब हम क्या करेंगे MVI और हम क्या लिखेंगे B,70 इन हेक्साडेसिमल। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब हमें B के अंदर इमीडिएट डेटा को मूव करना है, कौन से इमीडिएट डेटा को, जो हमने इंस्ट्रक्शन में दिया है। तो अब B के अंदर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छी तरह से, इतना काम हो गया। अब A के अंदर एक ऑपरेंड, B के अंदर दूसरा ऑपरेंड, दूसरा डेटा है, अब हमें सिंपली इनको एड करना है। एड करने के लिए हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एड, और फिर अब यहाँ पर A जो है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, A इज इक्वल्स टू A प्लस, अब यहाँ पे हम जो भी रजिस्टर प्रोवाइड करें ये आ जाएगा। अब हमें B रजिस्टर को करना है तो हमने लिख दिया B, तो ये इंस्ट्रक्शन किसके इक्विवेलेंट हो गया, A इज इक्वल्स टू A प्लस B के। आपको पता ही है कि यहाँ पर एड के अंदर या कोई भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड कहां से आता है, एक्यूमुलेटर से आता है, और रिजल्ट भी बैक कहां स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। तो ये इंस्ट्रक्शन इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओके। इसके बाद में अब ये होगा क्या, A इज इक्वल्स टू A प्लस B होगा, दैट इज सबसे पहले A और B के कंटेंट्स ऐड होंगे, 20 + 70 = 19 हेक्साडेसिमल हुआ, 90 हुआ, ठीक है। और ये रिजल्ट वापस किस में स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ओके, हो गया। यहां पर कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, इनके हमारे नंबर्स कुछ दूसरे होते जिसमें हमारी कैरी जनरेट हुई होती तो हमारे कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। मान लिया हमारा रिजल्ट क्या आता, 170 समथिंग ऐसा आता, तो उस केस में हमारे एक्यूमुलेटर में ओनली 70 रहता, वो 1 नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम मैंने क्या बोला, ये विदाउट कंसिडरिंग कैरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से कैरी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा रिजल्ट 170 आया है तो ये चीज डिस्कार्ड हो जाएगी, ओनली कैरी फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया जाएगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि कैरी जनरेट हुई है, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ओनली 70 ही आएगा, ठीक है।
मतलब एक्यूमुलेटर में क्या रहेगा, 70 ही रहेगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा। फिर हमें क्या करना है, HLT इंस्ट्रक्शन का यूज करके प्रोग्राम को क्या कर देना है, हॉल्ट कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए। तो ये क्या था, हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने इमीडिएट डेटा प्रोवाइड किया है। तो आपको लगेगा बहुत सिंपल तो प्रोग्राम है, अच्छा सा प्रोग्राम है, लेकिन देखो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई आपने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाई तो क्या आप ऐसी बनाओगे कि आपने प्रोग्राम के अंदर ही डेटा दे दिया है? डेटा कहां से आना चाहिए, बाहर से आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो मेथड है, ये अप्रोच जो है, ये क्या है, स्टैटिक अप्रोच होता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम में ही डेटा नहीं दे सकते हैं। कुछ चीजें जो कॉन्स्टेंट्स होती है वो हम इमीडिएट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है, यूजर को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये स्टैटिक अप्रोच है, हम प्रोग्राम में ही डेटा दे रहे हैं, तो उस चीज का यूज क्या रहा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैटिक अप्रोच है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, अब हम देखते हैं दूसरा मेथड जिसमें हमारा डेटा कहां से आएगा, मेमोरी से आएगा। तो देखो ये है हमारी मेमोरी, मतलब कितनी भी बड़ी मेमोरी हो सकती है, मेमोरी का हमने पोर्शन कंसिडर किया है जिसमें 0100। अब यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, और ये हेक्साडेसिमल में, क्यों, क्योंकि 16 बिट्स का एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल में है तो 4 4 16 बिट का ही एड्रेस हो गया है हमारा। ठीक है, और ये डेटा 8 बिट्स का होता है, तो ये पे 2024 8, तो ये 8 बिट्स का डेटा हो चुका है। ओके, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो 0100 पे मेरा फर्स्ट ऑपरेंड है, 0101 पे मेरा सेकंड ऑपरेंड है, और इस लोकेशन पे मुझे रिजल्ट को स्टोर करना है। तो डेटा मेमोरी से आएगा, हम इमीडिएटली प्रोग्राम में नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो हमें सबसे पहले पहले वाले ऑपरेंड को लेके आना है। तो हम कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज करने वाले हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का यूज करने वाले हैं। ठीक है, मेमोरी पॉइंटर का यूज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, मतलब HL रजिस्टर पेयर का यूज। तो अब हम क्या करेंगे, LDA लोड एक्यूमुलेटर, इस इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, जो क्या करता है, एक्यूमुलेटर को लोड करता है। किससे लोड करेगा, जो एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया है। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, 010 मेमोरी के इस लोकेशन के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। तो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा, इस लोकेशन के कंटेंट्स, दैट इज 20 आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, 20 आ गया, ये काम हो गया। अब हमें दूसरा ऑपरेंड लाना है, तो आपको लगेगा चलो अब उसको हम बी में लेके आते हैं, लेकिन LDA इंस्ट्रक्शन होता है, LDB LDC और कुछ नहीं होता है। मतलब आप सोचो भाई, लोड एक्यूमुलेटर एक को लोड करेगा, तो LDB किसी दूसरे रजिस्टर को लोड कर देगा, तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अगर आपने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का मेरे पूरे वीडियोस देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेमोरी और किसी और रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास इंस्ट्रक्शन तो यही है, तो इसी इंस्ट्रक्शन का मतलब हम ए को ही लोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस ए के कंटेंट्स को किसी और रजिस्टर में मूव कर देंगे, क्योंकि अगर फिर से हमने लिख दिया LDA 0101 तो ये कंटेंट्स तो ओवरराइट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ए के कंटेंट्स को पहले बी में क्या करना है, कॉपी करना है। तो ए के कंटेंट्स को, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ए के कंटेंट्स को बी में कॉपी कर देगा। तो अब बी के अंदर क्या आ जाएंगे, ए के कंटेंट्स आ जाएंगे। अब हमारा ए फ्री हो चुका है, ओके, दूसरे डेटा को लेने के लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, LDA 0101 लिखेंगे, तो जिससे क्या होगा, अगेन एक्यूमुलेटर लोड होगा, लेकिन इस एड्रेस के कंटेंट से। तो अब एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएंगे, इस एड्रेस के कंटेंट्स, दैट इज 40 आ जाएगा। तो अब ए के अंदर क्या आ चुका है, 40 आ चुका है। अब क्या होगा, अब ए के पास भी डेटा है, बी के पास भी डेटा है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारा इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज होगा, ऐड बी, जिससे ए और बी के कंटेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, वापस स्टोर हो जाएगा। तो 40 + 20, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए और बी ऐड हुए, और ए के अंदर क्या आ गया, 60 आ गया। तो अब हमारा रिजल्ट किस में है, एक्यूमुलेटर में ही है। अगेन यहाँ पे भी वही होगा, अगर कैरी जनरेट होती है तो सिंपली कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं रिफ्लेक्ट होगी। ओके, फिर हमें क्या करना है, अब हमारा रिजल्ट किस में, ए में है, लेकिन हमें रिजल्ट किस में चाहिए, इसमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, ए के जो कंटेंट्स है उसको स्टोर करेगा, कौन सी लोकेशन पे, इस लोकेशन।
तो अब क्या होगा, ए के जो भी कंटेंट्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे इस लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे क्या आ जाएंगे, ए के कंटेंट्स आ जाएंगे। तो अब हमारा रिजल्ट कहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। अगर रिजल्ट हमारा 160 आया होता इन हेक्साडेसिमल तो ये चीज क्या हो जाती, डिस्कार्ड हो जाती। क्यों? क्योंकि कोई भी एक लोकेशन जो है 8 बिट्स को अफोर्ड कर सकती है, तो ये चीज यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाती। ओके, तो अब हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को टर्मिनेट हॉल्ट कर देना है। तो ये तरीका है तो अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, देखो डेटा बाहर से आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो यहाँ पे तो दो ही ऑपरेंड्स है, तो कोई ज्यादा आपको इश्यू नहीं लगा होगा कि भाई पहले हम ए में डेटा लेके आए, फिर ए के डेटा को किसी और में डाला, फिर वापस ए में डेटा लेके आए। अगर यही तीन चार ऑपरेंड्स होते तो बार बार हमें यही काम करना पड़ता, पहले ए के डेटा को किसी में ले जाओ, फिर वापस ए में डेटा लेके आओ। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे हमें बार बार एड्रेस देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर अभी तो ये वाला एड्रेस है, बाद में यही पूरी चीज कहीं और रीलोकेट होती है, तो हमें पूरे एड्रेसेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरे वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, जिसमें हम एचएल रजिस्टर पेयर या मेमोरी पॉइंटर का यूज करेंगे। तो अभी हम इन दोनों प्रोग्राम्स को कहां देखते हैं, सॉफ्टवेयर पे रन करके देखते हैं। इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो ये मैंने प्रोग्राम फर्स्ट जो मेथड है उसे टाइप कर लिया है। यहाँ पे मूव इमीडिएट ए, ए के अंदर 30 आ जाएगा, बी के अंदर 48 आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, और हमारा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं क्या करती हूँ, सारे रजिस्टर्स को सबको मैं क्या कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, रीसेट पे आएंगे और रीसेट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सभी रजिस्टर्स मेमोरी वगैरह सब क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको पहले हम असेंबल करेंगे, जो कि मैंने करके रख लिया है। अब मैं इसको क्या करूंगी, सीधे एक साथ एग्जीक्यूट कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हम देखें तो देखो आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स देख सकते हो क्या हो चुके हैं, 78 हो चुके हैं। यहाँ पर आप फ्लैग्स की वैल्यू देख सकते हो, तो और कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है। लेकिन यही हम यहाँ पे डेटा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने डेटा में क्या दे दिया है, 87 दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पर नीचे मैंने क्या दे दिया है, 9C या 9B दे दिया है। ओके, अब हम करते हैं इसी चीज को, इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। तो अब आप देखो तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 22 आया है, ठीक है, जबकि कोई कैरी जनरेट हुई होगी, तो वो रिजल्ट में हमें कैरी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि कैरी फ्लैग की वैल्यू आप देखो तो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग, यहाँ पे सॉरी मैग्नीफायर आ रहा है, तो और कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे कैरी कोई जनरेट हुई ही नहीं है। ओके, लेकिन यही वैल्यूज हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यही वैल्यू मैंने क्या दे दी है, 9C दे दी है यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने दे दी है वैल्यू 88 दे दी है। ओके, तो अब अगर हम इसको रन करते हैं, तो अब इसको हम चाहें तो पहले रीसेट करके फिर रन कर देते हैं। तो यहाँ पे रीसेट किया और फिर मैंने इसको क्या किया है, एग्जीक्यूट किया। तो अब देखो रिजल्ट क्या आया है, 24 आया है। क्या आया है, 24 आया है, और जबकि कैरी जनरेट हुई है, लेकिन रिजल्ट में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ये इंडिकेट करने के लिए कि हाँ कैरी जनरेट हुई, लेकिन वो चीज रिजल्ट में नहीं है। अब हमारा जो दूसरा वे था उससे हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये मैंने प्रोग्राम बनाया है दूसरे वे से, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कर दिया है। ओके,
अब यहाँ पर देखो 0100 पर हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारा फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो 0100 लोकेशन पर है, सेकंड इस लोकेशन पे, और रिजल्ट जो स्टोर करना है वो हमें 0102 लोकेशन पे स्टोर करना है. ओके, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेंड्स मेमोरी में पुट करने पड़ेंगे. ओके, तो हमें 0100 लोकेशन पे ऑपरेंड को डालना है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने जूम कर दिया, जो हमारा मेमोरी वाला पोर्शन था वहां पर हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं 256, क्योंकि हमने डेसिमल में एड्रेस दे रहे हैं. 256 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0100 होता है. आप यहाँ पे कन्वर्जन्स करके देख सकते हैं. ठीक है, तो उस लोकेशन पे हमें क्या डालना है, तो उस लोकेशन पर हमें जो वैल्यू डालनी है वो क्या डालनी, कोई सी भी वैल्यू जो भी हम चाहें ऑपरेंड डेटा डाल सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने डेटा सपोज डाल दिया है 80 इन हेक्साडेसिमल. ओके, आप यहाँ से चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो. ठीक है, क्या वेरीफाई कर सकते हो कि भाई 256 का हेक्साडेसिमल क्या होता है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 256, उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो उसका हेक्साडेसिमल हमें क्या मिला, 100 मिला है. ठीक है, इसके बाद मुझे अपडेट मेमोरी पे क्लिक करना पड़ेगा. इसके बाद मुझे नेक्स्ट देना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मुझे जो भी डेटा में डालना चाहती हूँ वो. तो सपोज मैंने डेटा में दे दिया 56 इन हेक्साडेसिमल दे दिया. ओके, फिर मुझे अपडेट मेमोरी पे क्लिक करना पड़ेगा. तो इस तरह से मेरी इन दोनों लोकेशन पे 0100 0101 पर क्या आ चुका है, मेरा डेटा ऑपरेंड्स आ चुके हैं. ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ मेरे प्रोग्राम पर. यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में 0100 का डेटा आ जाएगा, उसको मैंने बी में मूव कर दिया. फिर 0101 का डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. अब ए और बी में मेरे ऑपरेंड्स आ चुके हैं, उन्हें मुझे ऐड करना है. रिजल्ट ए में स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में. फिर जो रिजल्ट आया उसको मुझे 0102 लोकेशन पे जाके स्टोर करना है. तो अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. तो अब इसको मैंने किया एग्जीक्यूट. तो अब हम करते हैं हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट. तो अब हम गए यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने. तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है, एक्यूमुलेटर के अंदर D6 आ चुका है, कोई कैरी नहीं जनरेट हुई है. अब हम एक बार मेमोरी में जाके देखते हैं. तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, मेमोरी में जाएंगे. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, मेमोरी सिलेक्टेड है. अब हमें उस लोकेशन पे जाना है, कौन सी लोकेशन पे, 0100. तो आप नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 0100 कहाँ है, ये रहा. तो यहाँ पर हमारा ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड है, देन ये सेकेंड ऑपरेंड है, और यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है. ठीक है,